एक बड़ा रेल एक्सीडेंट और सैकड़ों परिवार बिखर जाते हैं। जब ऐसा हादसा सामने आता है तो मन में पहला ख्याल उठता है अपनों की आर्थिक सुरक्षा का। कम लोगों को इस बात की जानकारी है कि रेल टिकट बुक करते समय परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी इंश्योर करने का मौका मिलता है। हम बात कर रहे हैं ट्रैवल इंश्योरेंस की, वो भी एक रुपए से भी कम कीमत पर। चलिए समझते हैं कि ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है। टिकट बुक करते समय IRCTC ट्रैवल इंश्योरेंस चुनने का विकल्प देता है, जिसे चुनने पर 35 पैसे का प्रीमियम आपके टिकट में ही जोड़ दिया जाता है, यानी टिकट का पेमेंट करते ही इंश्योरेंस भी हो जाता है। इस इंश्योरेंस से जुड़ी डिटेल टिकट बुक करने के बाद SMS पर ही मिल जाती है। SMS सीधे इंश्योरेंस कंपनी से ही आता है और कंपनी की ही साइट पर नॉमिनी डिटेल्स भरनी होती है। हाँ, पॉलिसी नंबर का पता IRCTC की टिकट बुकिंग हिस्ट्री से लगाया जा सकता है। चलिए, ये तो हुई इंश्योरेंस की शुरुआती डिटेल, अब कॉम्पनसेशन की बात करते हैं। तो रेलवे की ओर से दिए गए इस ट्रैवल इंश्योरेंस ऑप्शन में डेथ के केस में 10 लाख रुपए की रकम नॉमिनी या कानूनी वारिस को दी जाती है। परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी के केस में भी कॉम्पनसेशन 10 लाख रुपए ही है। वहीं परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी के केस में 7.5 लाख रुपए की राशि तय की गई है। अगर ट्रेन हादसे में कोई चोट पहुंचती है तो उसके इलाज के खर्च के लिए इंश्योरेंस में 2 लाख रुपए तक की राशि मिलती है। अब आता है पूरे इंश्योरेंस के प्रोसेस का सबसे अहम हिस्सा, यानी इंश्योरेंस क्लेम। इस पार्ट को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि इंडियन रेलवेज ये ट्रैवल इंश्योरेंस लेने का ऑप्शन जरूर देता है, लेकिन वो पॉलिसी, क्लेम या इंश्योरेंस से जुड़ी किसी दूसरी चीज के लिए जिम्मेदार नहीं है, बल्कि बस एक जरिया है। यानी पॉलिसी देने से लेकर उसके टर्म्स एंड कंडीशन, क्लेम के लिए अथॉरिटी और प्रोसेस पूरी तरह से इंश्योरेंस कंपनी के हाथ में होता है। तो क्लेम के लिए भी इंडियन रेलवेज नहीं, बल्कि इंश्योरेंस कंपनी को ही उनके ईमेल नंबर या ऑफिस के जरिए कॉन्टैक्ट करना होगा। हाँ, क्लेम के लिए किन बेसिक जरूरी शर्तों को फॉलो करना है ये रेलवे जरूर बताता है। सबसे पहले तो ट्रेन एक्सीडेंट होने के 4 महीने के अंदर क्लेम फाइल हो जाना चाहिए। मेडिकल रिकॉर्ड्स के अलावा इस इंश्योरेंस में रेलवे अथॉरिटी की रिपोर्ट भी लगानी होगी जो एक्सीडेंट को कंफर्म करती हो। सभी जरूरी शर्तों और क्लेम की फॉर्मेलिटीज को पूरा करने के बाद इंश्योरेंस कंपनी को सभी डॉक्यूमेंट सबमिट करने के 15 दिन के अंदर क्लेम रिलीज करना होता है। ट्रैवल इंश्योरेंस का ये ऑप्शन सिर्फ उन्हीं पैसेंजर्स के लिए है जो अपना टिकट ई टिकट सिस्टम के जरिए बुक करते हैं। तो इस तरह काम करता है रेलवे टिकट पर मिलने वाला इंश्योरेंस। अगली बार टिकट बुकिंग पर इस ऑप्शन का खास ख्याल रखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करके उन्हें अहम जानकारी दें। अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को बेहतर करने और काम की ऐसी ही जरूरी जानकारी के लिए VQ Prime Hindi को सब्सक्राइब करना ना भूलें।